बादशाह रू रशीद कहते खा बिच वेख जन्नत की सैर पिया करना, जन्नत की सैर करदिया करदिया वेखिया एक महल के दरवाजे ते ज़बैदा दा नाम लिखिया, अपनी बीवी का महल समझ के अंदर जावन लगे। फरिश्ते ने थका मार के पूछे किधर आ रहे हैं, कह लगा मेरी बेगम का महल। फरिश्ते ने आख्या ना ना इत्थे ओही आउंदा जिन्हें खरीदिया होवे। बादशाह दी अग खुल गई, अद्धी रात वेले दौड़ता दरिया तजला दे किनारे आया, देखिया हज़रत पहलवान दा नाम बैठे ने अजे भी करौंदे पे बना देने। करीब आके पुछदा बाबा जी की पे करदे हो, फरमाया जन्नत कोठे पिया बनाना, अर्दे करदा लज पाला को बेच दे हो। फरमाया को गांव कमीले बेच देने हो, अर्दे करदा किन्ने दा बेच दे हो। फरमाया प्याला भर के हीरियां दा लेने हो, अर्दे करदा लज पाला ज़बैदा नूं 10 दिनार दा बेचिया जे, मैनूं हीरियां दा प्याला भर के दा महंगा बेच दे हो। फरमाया बादशाह केड़ा सौदा वेख के करे उन्हों में गई वेचने। हुण जिहड़ा इस तो उच्चा बोले रमदान शरीफ दे सारे रोजे मस्जिद नबी शरीफ च रख के आवे। हुण जिहड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवें खाब च कमली वाला ही आ जावे, ते तेरा की जांदा जिहड़ा इस तो उच्चा बोले जागदे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। हुण काम इत्थे रख्या जे, फिर हौला बोले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। गला खराब हो जाए सुबह लोग पूछन तेरे गले नु की होया, आखी राती बलियां दा जिक्र होंदा रहा, मैं सुभान अल्लाह कहंदा रहा। कोई होर महफल आउंदी मैं पूछ लैना सी इंतजामिया को लंगर है कि नहीं, ते इत्थे बलियां दा डेरा, इत्थे ते लंगर पहले खवांदे ने महफल बाद च सुणांदे ने। सियाणे कहंदे ने जिदा खाइए ओदा गाइए, जिदी अम्मी ने दस के भेजा पुत्रा तुम पलिया ही मुहम्मद दे लंगर ते सुननी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। सुनिए कुरान, अल्लाह ने रिजा फरमाया अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामा व क़ुदा वाला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ध वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा व कानू क़लीलन मिन अल्लैल मा यहजऊन व बिल असहार हुम यस्तग़फिरून वाज़कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्दील। कुरान दिया मैं चार आयतें पढ़िया, इन चारों आयात का तर्जमा पंजाबी च आसान करके अर्ज करा कि किसी बाबे ने आख्या सी लगी वालियां दी अख नहीं लगदी, लगी वालियां दी अख नहीं लगदी। रफीक तो तारे गिनदा रहो, परदेस जिन्हां दे माही गए ओ कर्मा मारे नहीं सौंदे, ते जिस घर दा मालिक घर ना होवे उस घर दे सारे नहीं सौंदे। आओ मैं उन्हां जगराते वालियां दा जिक्र करा, ते इजाजत होवे ते इन आयात दा तर्जमा हजरत पीरे बाहू कोलू करवा के देवां। बे मुर्शिद नाल मैं कदे बोलिया ही नहीं, मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। आरिफां दे सुल्तान उम्दतुल कामिलीन खुतबुल मुकम्मलीन खुतबतुस सालिकीन बुरहानुल वासिलीन हजरत सखी फना फिल्ला बकाफी हु हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इहदा तर्जमा बिठा जा फरमाया। आप इरशाद फरमांदे ने राती रती उन्हां नींद ना आवे ते दिने बात हरानी ओ आरिफ दी गले आरफ जाने की जाने नफसानी ओ करी इबादत कुछ हाँ कुछ
ਅਸਲ ਠੀਵੀ ਬਾਪ ਦੁਰਾ ਪਗਤ ਯਾਤੀ ਅਕਲ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਬਾਦਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਠੀਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ ਹੈ ਜਬਾਨੀ जिना मिलिया पीर जुलानी राती राती ओना नींद ना आवे पीरे बाहू फरमांदे ने रात गुजर जांदी ओना नु रत्ती नींद नहीं आउंदी लगी वालियां दी अख नहीं लगदी इश्क में ख्वाब का ख्याल किसे न लगी आंख जब से आंख लगी जेड़ा इश्क इंसान नु बिस्तर तो उठा के मुसल्ले ते ना बिठावे ओ इश्क कादा ओ इश्क कादा जेड़ा इंसान नु बिस्तर तो उठा के मुसल्ले ते ना बिठावे मेरे मिल्लत दे नौजवानों आज उन हाथ का जिक्र करन लगा जेड़े रातां जागदे से मुहद्दिस इब्ने जौदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मल्ला यकूमुल लैल लैसा मिन सालिहीन अल कामिलीन फरमाते ने जेड़ा रातां नु उठ के कयाम ना करे कदे सालिहीन ते कामिलीन च नहीं हो सकदा सूफिया फरमाते ने जदियां लगातार तीन तहज्जुद दियां नमाज़ां छुट जावन ओ मर्तबा विलायत तो गिर जांदा है मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह फरमांदा मैं रात नु मिलना जे मैनू मिलना ही ते रात नु उठ मैं जुमला अर्ज कर लगा सूफिया तशरीफ फरमाने अहले दिल ते अहले तसव्वुफ तशरीफ फरमाने इन हां दे नाम ही करन लगा मैं अक्सर क्या करना इश्क पावे मजाजी होवे या हकीकी होवे महबूब रातां नु मिलदे ने और मेरे जुमले ते शबे मेराज गवाए महबूब रातां नु मिलदे क्या बात है रमा साहब क्या बात क्या बात क्या बात जी क्या बात अलिफ ला मीम दी अलिफ की चोटी तो लेके बन्नास दी सीन दे घेरे तक सारा कुरान पढ़ के देख लो अल्लाह ने पूरे कुरान च किधरे भी सौन वालों दी तारीफ नहीं कीती रब ने जदू कीती जागन वालों दी तारीफ कीती है उंज रब फरमांदा मैं रात नु सुकून लई बनाया लितस्कुनू फी अल्लाह फरमांदा सा रात विच सुकून रखिए रात याद तड़प के फड़प के सुकून मिलता है पता लग गया सुकून अपना अपना है लै चला मियां मोहम्मद बख्श दे दरबार तुसी नहीं बोले नहीं ते लै मैं जाना सी कई बेली फरूकी साहब घरों सलाह करके आंदे ने अज मौलवी ढिल ला ले मैं नहीं बोलना उन्हां नूं 30 सालां च मैं नहीं बुला सकिया जिहड़े बगैर सलाह दे आए ओ बोलो सुभान अल्लाह एक बारी सुभान अल्लाह कहिए ते जन्नत च इक दरख्त लगदा है आज इन्नी सुभान अल्लाह बोल के घर जाओ पता लगे मैं जन्नत च बाग लगा के आया हाँ तो यार जिदा बहरिया टाउन च 10 मरले का प्लाट निकल आए उन रात नींद नहीं आती मैं इतना अमीर हो गया तो जिदा जन्नत च बाग लग जाए अपने अपने हिस्से का बाग लगा के जाओ तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने राती कत्तां राती कत्तां ते राती तुम्मा राती ताना लावा एक तंद जे कबलड़ी पै गई मते मालिक मोल ना पावा इक तंद जे इक तंद जे कबलड़ी पै गई मते मालिक मोल ना पावा ते मियां सा फरमांदे ने
रात पवे ते भई रात पवे ते इते करदाना नींद प्यारी आवे याद सजन दी इस ते आया न जगा जे मैं गल जगराते दी छेड़ छड़ी ते फिर जगराते ते टुर पैणी है पर मैं चुके थोड़ा जा जगराते वालों का जिक्र करना ओ जिन्हां दी अख माही ना लग जे फिर उन्हां दी अख नहीं लगदी लफ़ज़े वली दे उलमा ने तकरीबन 18 महीने लिखे मिरकात दे अंदर लफ़ज़े वली दे 18 महीने लिखे गए पहला मानी अल वलीयो अल वारिस वली ओ होंदा जेड़ा वारिस होवे कई बेली गड्डी ते लिख देना अल्लाह रसूल ते अल्लाह नबी वारिस ते बेली पुछदे ने अल्लाह ते वारिस है नबी किवें वारिस है भाई इन्ना मा वली युकुम अल्लाह व रसूल हु अल्लाह भी वली है ते रसूल भी वली है अल्लाह भी वारस है ते नबी भी वारस है ते वली ते है नहीं वारस ना उन्ना दे सदके हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत किधरे को शहीद ना हो जाए उच्चा बोलो मोती अली सरकार उच्चा बोलो सुभान अल्लाह आओ सुनो कुरान वली कादा वारिस होता है जे वारिस है ते कादा वारिस है अल्लाह ने रिजा फरमाया वाला खुद कथा बंदा फिजबूरी मिन बाद जिक्र अन الارض يرثها عبادي الصالحون پروردگار نے ارشاد فرمایا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پتراں نوں بناندے ہو اللہ نے فرمایا میرا تے پتر کوئی نہیں فرمایا ان الارض يرثها عبادي الصالحون اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے عرض کیتی یا اللہ کیا ولی صرف زمین دا وارث ہے اللہ نے فرمایا کدھر ولی دی وراثت نو تھوڑا نہ سمجھ آج فرمایا تلک الجنۃ اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہے تے ولی جنت دا بھی وارث ہے जेड़ा जेड़ी चीज दा वारिस होवे जिन्नू चावे दे देवे अच्छा जमीन दे भी वारिस ने ते जन्नत दे भी वारिस ने मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कलम रबाना नून वल कलम वमा यस्तुरून कलम रबाना भाई कलम रबाना कलम रवाना ए हाथ वलियां दे वली लिखन जो मन भावे ए वलियां नू रब ताकत बख्शी वली दी विरासत
जन्नत भी वारस ने ते जमीन दे भी वारस ने। हदीस पाक सुनावा मिठी जे सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अज मैं सिर्फ लफ्ज़े वारस ते गुफ्तगू कर लगा जे 18 महीने ने 18 तकरीर बनदियां जे एक एक महीने ते गुफ्तगू करिए साजी। इस्लाम दे बूटे ते पहली बहार आई ते जड़ा पहली बहार दा पहला फल लगया उदा नाम अबू बकर सिद्दीक। इस्लाम दे बूटे दी पहली बहार दा पहला फल बेशक अबू बकर सिद्दीक। और सामने ताजदारे सदाकत आ रहे इधरों मौला कायनात सदरे बज़्मे विलायत असदुल्लाह गालिब गालिबुन अला गालिब हजरत सैयदना मौला अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लेके जा रहे। दुआ यारा दी मुलाकात हुई ना ते हजरत सिद्दीक अकबर फरमा लगे अली मुबारक होवे। फरमाए हजूर का दी मुबारक। फरमाए नबी पाक नु उठ के आ रहे ते हजूर फरमा दे जाओ जाके अली नु मुबारक दियो कयामत नु जन्नत दी टिकटा मेरा अली वंडेगा। उलाइका हुमुल वारिसून जन्नत दिया टिकटा मेरा अली मंडेगा। मौला अली फरमान लगे खैर मुबारक अबू बकर तेनू ही मुबारक होवे। आपने फरमाया जन्नत दिया टिकटा अली तू बननी आन मैनू का दिया मुबारक पिया देना है। फरमाया तुहानू ते नबी ने फरमाया जन्नत दिया टिकटा अली वंडेगा। मैनू नबी ने फरमाया अली याद रखी जन्नत दिया टिकटा तू वंडेगा। उन्हां टिकटा ते मोर सिद्दीक दी आवे टिकट मैं जन्नत जावेगा जेड़ा अली का भी गुलाम है जेड़ा सिद्दीक का भी गुलाम है। कोई जन्नत वारिस जिन्हों चाहे अता कर देन होर आसान कर देवा। ये दरबारे मुहम्मद बैठने वाले ना एक दिन खलीफा हारून रशीद दी बेगम दरियाए दजला दी सैर पे कर दी दरवेश हजरत बहलोल दला रहमतुल्लाह ताला अले दरियाए दजला दी रेत कट्ठी करके ना अपने पाँव ते घरों दे छोटे छोटे घर पे बना देने। अजे मैं तुसी ते मैं बचपन च रेत पाँव ते रख के घर बना दे सा ना हजरत बहलोल दला दरियाए दजला दे किनारे बना रहे। बीबी जुबैदा करीब तो गुजरी ते अर्ज कर दी हजूर की पे कर दे हो ते हजरत बहलोल दला रहमतुल्लाह अले फरमा लगे मैं जन्नत च कोठे पे बनाना। ते जुबैदा कहंदी हजूर कोई बेच दे भी हो। फरमाया को गाक मिले ते बेच देने हैं। हजूर किन्ने दा बेच दियो। फरमाया को 10 दिनार देवे ते बेच देने हैं। ज़ुबैदा खातून ने अपनी नौकरानी को 10 दिनार लेके ते हजरत बहलोल दला नु पेश कीते। आपने 10 दिनार दरियाए दजला ते सटे ते एक गरों दा ढा के फरमा दे जा ज़ुबैदा जा तेरा जन्नत च कोठा पक्का हो गया। साहब दादा साहब वो कैसे प्रॉपर्टी डीलर ने हो जड़े जमीन ते बैठ के जन्नत दे सौदा करी जा रहे हैं। मैं किताबा च पढ़िया के दरिया के दूसरे किनारे दो यतीम बहन ते भाई बचपन च रोजाना मछलियां पकड़न आते ने ते मछली पकड़ के जदों घर जाते ने माँ जदों मछली का पेट चा कर दिए ते विचों दिनार निकलते ने। पापा इस किनारे ते बैठ के ते उस किनारे वाले दे रिज़्क दा इहतमाम पिया कर। ज़ुबैदा जो घर आई तो शाम के वेले जो हारून रशीद घर आए ना तो अपनी बेगम ने पूछा कि आज दिन कैसा गुजरिया। बेगम ने अर्ज की हजूर मैं आज दरियाए दजला की सैर कर गई हजरत बहलोल का नाम पे बैठे सन तो वह घरों के बना रहे थे। मैं पूछा की कर दियो। फरमा जन्नत च कोठे पिया बनाना। मैं अर्ज की को बेच दियो। फरमा को गाक मिले तो बेच देने। अर्ज की हजूर किन्ने का बेच दियो। फरमाया 10 दिनार कोई देवे तो बेच देने। मैं 10 दिनार दिते उन्हें दरिया च सड़ के एक घरों का ढा के फरमा जा तेरे जन्नत च कोठा पक्का हो गया। हारून रशीद अपनी बेगम नु कहन लगा उते दरवेश है उते मजजूब है ते तू 10 दिनार जाया करके आ गई। ते बेगम
अपने शोहर वाल वेख के कह लगी अगर 10 दिनार जाया हो भी कहते असि इतने बड़े शहनशाह वा सानू 10 दिनार नाल फर्क केड़ा पै जांदा है। बादशाह हारून रशीद इतना बड़ा बादशाह सी कि एक दिन फिजा च बदल दा टुकड़ा उड़दा जा रहा ते बदल दे टुकड़े नु इशारा करके कहन लगा जा जमीन दे जिस हिस्से च बसना जाके बरस तेरा खिराज मेरे तक लौट के बगदाद वापस आवेगा। यानी कि तेरे नाल जिथे भी बारिश होवेगी उस बारिश नाल जिथे भी फसल होई उस फसल दा टैक्स वापस बगदाद मेरे तक ही आना है। इतनी बड़ी शहनशाही बादशाह दी बेगम कह लगी कि सानू 10 दिनार नाल फर्क केड़ा पै चले। नौजवान जड़े बे रात नु हारून रशीद बादशाह लेटिया बादशाह हारून रशीद कहंदा खा विच वेखे जन्नत दी सैर पिया करना फरिश्ते ने धक्का मार के पूछा किधर आ रहे हैं कहन लगा मेरी बेगम का महल। फरिश्ते ने आख्या ना ना इत्थे ओही आउंदा जिन्हें खरीदिया होवे। बादशाह दी अख खुल गई अद्धी रात वेले दौड़ता दरिया तजला दे किनारे आया देखे हजरत पहलवान दा नाम बैठे ने अजे भी करौंदे पे बनांदे ने। करीब आके पुछदा बाबा जी की पे करदे हो फरमाया जन्नत च कोठे पिया बनाना अर्दे करदा लज पाला को बेच दे हो। फरमाया को गां कमीले बेच देने हो अर्दे करदा किन्ने दा बेच दे हो। फरमाया प्याला भर के हीरियां दा लेने अर्दे करदा लज पाला ज़बैदा नूं 10 दिनार दा बेचिया जे मैनू हीरियां दा प्याला भर के दा महंगा बेच दे हो। फरमाया बादशाह केड़ा सौदा वेख के करे ओनू महंगा ही वेचने जेड़ा सौदा वेख के करे। नाराए तकबीर नाराए रिसाले नाराए तहकीक नाराए हैदरी आस्थान आली अलीपुर सैयदा शरीफ फैदाने चूरा शरीफ। हुण बोलो सुभान अल्लाह आखे जेड़ा सौदा वेख के करे उन्हें महंगा वेचने पता लग्या वारस ने ना जन्नत दे जिन्हों चाय वेच दे। सुभान अल्लाह इस जमीन दे भी वारिस ने अन्नल अर्दा यार सोहा इबादिया साले। हुन एक गल जमीन दी भी सुन लो किवें वारिस ने हजरत उमर फारूक दा दौरे खिलाफ ते माई मदीने दी ना अपने हाथां दे उते सरों दा तेल लेके प्याले च जा रही अचानक माई नूं ठोकर लगी ते प्याला जमीन च डुल गया ते चूस लिया जमीन ने ना सारा तेल चूस लिया। माई मदीने दी गली च बैठ के पे रोवे ते उधरों हजरत उमर फारूक आ गए ते आपने वेख्या माई मदीने दी गली च रोवे ते माई दे करीब आके फरमांदे ने अम्मा गली होवे मदीने दी दौर होवे उमर दा ते तू मदीने दी गली च बह के रोवे ते कयामत नूं उमर नूं पुछ नहीं हो जाणी। एक अज दे हुकमरान ने जिन्हां नूं सारे रोंदे ने एक ओ सन के माई रोई ते आपने फरमाया माई जे तू रोई ते मैनूं पुछ हो जानी है क्यों रो रही। माई इशारा करके कहन लगी उमर आवे आ आ आ वेख ना जमीन ने बेइंसाफी कर दी थी मैं तेल पैसे जोड़ के लेके आई ते तेल चूस लिया जमीन ने। आपने फरमाया माई जी रोबो ना उठो आओ मैं तेनों बैतुल माल जो तेल दे देवां। माई देखो अज दी माई नहीं ना उमरे फारूक दे दौर दी माई सी ते माई कहन लगी मैं क्यों गरीबां दा माल लवां मैं अपना ही लैणा मैं क्यों गरीबां दा माल लवां। हजरत उमर फारूक नूं जलाल आ गया दुर्रा पकड़ के जमीन ते मारिया ते जमीन ते मार के कहन लगे जल्दी कर माई दा तेल वापस कर तेनों नहीं पता मैं तेरा वारिस पिया बोलना। आपने इना परमाते तेल उबलिया माई प्याला पकड़ के दौड़ी भरन वास्ते ते आप परमाते ने अम्मा जी मां भी अदल कीता जमीन ने भी अदल कीता तुसी भी जरा अदल ही करया जे। माई कहंदी भी उमर मैं का अदल करा परमा जिन्ना रुड़िया सी ओना कोई लिया जाए। सुभान अल्लाह अन्नल अर्दा यारी सुहा इबादी सालिहून ए पाक पतन दा ताजदार चिश्तियां दा इमाम फर्दुल फरीद फर्दुल अफराद फर्दे वाहिद हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह आप
दी बारगाह चे माई आई ते आके अर्ज कर दी हजूर सुबह बेटी दी शादी है ते को तोहफा दियो मेरे को पैसे कोई नहीं आप दे कोल भी कोई नहीं सन आपने फरमाया माई आओ 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 मिट्टी दा ढेला लेके आ माई मिट्टी दा ढेला लेके आई बाबा जी फरीदुद्दीन गंजे शकर ने असर तली ते रख के ना फरमाते ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमा तैयबा पढ़ के फूंक लगा के ते मिट्टी दा ढेला बीबी नु पकड़ाया आप दे हाथां च मिट्टी दा ढेला ते माई दे हाथां च गया ते सोने दा ढेला माई ने घर जाके ना ते मिट्टी दा ढेर लगा लिया ते कलमा पढ़ पढ़ फूका मारदी रही सवेरे उठ के वेखा ते मिट्टी मिट्टी रही सवेरे आके ते बाबा फरीद नु कहन लगी कलमा तू भी उसे नबी दा पढ़िया ते मैं भी उसे नबी दा पढ़िया कलमा पढ़ के फूक मारी ते मिट्टी सोना बना दी मैं सारी रात पढ़ती रही ते मिट्टी दी मिट्टी रही बाबा फरीद ने फरमा कलमा तो उसे नबी दा पढ़िया पर जुबान ते फरीद दी चाहिए थी ना फरमाया असी वली को मिट्टिया नु सोने बना नहीं आए दसना चाहे आके बंदे आ इस कुर्ब विच आवे ते मिट्टी सोना बन जाती है ते तेरा वजूद भी इसे मिट्टी का बने नहीं समझे ते आसान करा मिट्टी का ढेर होवे ते सौ साल भी पिया रवे ते ढेर का ढेर ही है ते जे कोलों दी कमियार गुजर जाए ते ओ मिट्टी दे ढेर नू उठा के ले जावे ते जाके आवे ते रख के ओ कदिया ते प्याला बना देवेगा या हांडी बना देवेगा या कनाली बना देवेगा या तबाक ते प्याला बना देवेगा कोई सोना जा बर्तन ते जरूफ बना देवेगा पता चल गया जे मिट्टी पई रवे ते मिट्टी दे जे कारीगर दे हाथ लग जाए फिर सोहनी जी चीज बना दिंदा है ते बंदिया तेरा वजूद भी इसे मिट्टी का बढ़िया है जे पिया रवे ते मिट्टी दी मिट्टी ते जे किसे लग जाए कारीगर दे हाथ जे लग जाए कारीगर दे हाथ ते वे फिर किड़िया किड़िया सोहनिया छावा बना के देंदा है तुसी बोले नहीं सुभान अल्लाह उच्चा बोलो मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा देना कलब मेरे ते कलब मेरे ते जंदरा बजे तेरे नाम खुदा दे खोली जदरा दिल लगे दिल में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने के बाबा जी सन ते बकरियां चार दे सन जंगल च जद जुमे दी अजान दी दूरों किधरों आवाज आनी ना ते बाबा जी ने बकरियां नु कठिया करके ना ते एक लकीर एक दायरा लगा देना हिसार कर देना ते आपने नमाज पढ़ चले जाना जुमा पढ़ के आना ते बकरियां दायरे दे अंदर बैठिया होनिया ते शेर दायरे दे बाहर बैठा होना ना बकरियां बाहर जा रही ते ना शेर अंदर जा रहा आप फरमा देने इंजी जद मुर्शिद दी बारगाह च आ जाइए ना ते बैत हो जाइए ना पीरां दे लोग पुछदे ने वलियां दे बूहे जाइए ते की मिलदा बैत हो के की मिलदा है आप फरमा देने जद मुर्शिद दी निगाह च आ जाइए ना ते बैत हो जाइए ते वली अपने मुरीद इर्द गिर्द तरीकत शरीयत एक लकीर लगा देंदा है ना शैतान गुनाह करावन अंदर जा सकदा है ते ना नफ्स गुनाह करावन बाहर जा सकदा है ये देते मैं दलाइल देवा ते अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुड़ वक्त दरकार है हजरत हूद अल्लाह के नबी ने अर्ज की अल्लाह आ जे मैं बनाए ने इन्हों का की बनेगा अल्लाह फरमा इन्हों खड़ा करो तो इन्होंने इर्द गिर्द एक कितार से एक दायरा से एक लकीर लगा दो हिसार कर दो अल्लाह के नबी हूद अलैहि सलाम ने अपनी उम्मत के इर्द गिर्द हिसार कर दिता एक लकीर से दायरा लगा दिता तूफान आया इतना तेज तूफान आया कि पहाड़ों के नाल टकरा के काफी टुकड़े टुकड़े हो गए मगर वो जे नबी के दायरे के बिच खड़े सन ना वो इस तरह करके तो अपने मत्थे का पसीना पेशाब करते हैं अल्लाह के वली की बारगाह हजरत नगीना रहमतुल्लाह अलैह बारगाह आमन वाले हो दायरे दे बार इतनी तेज हवा है कि काफिर उड़ के पहाड़ न टकरा के टुकड़े हो रहे ते दायरे दे जड़े अंदर खड़े उन्होंने मथे का पसीना भी नहीं सुकदा असी एवें नहीं दाता साहब जाते एवें नहीं चूरा शरीफ जाते एवें नहीं बाबा फरीद जाते एवें नहीं बाबियां को लाते सानू पता बचता उ जड़ा इन्हों के दायरे के बेच आ जाता जड़ा इन्हां दे दायरे च आ जाता जड़ा इन्हां दे दायरे च आ जाए बच जाता ग्रामी कदर हजरात
حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو اللہ ایک مرید آئے تو انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین دا مربع ہے نا یہ میں توہانو حدیعہ تن پیش کرنا تو فتر پیش کرنا تو اندہ لنگر پکا کے تو مریدانو کھلایا کرو چند دن بعد قبضہ گروپ والے آگئے وہ کہنے لگے بابا یہ زمین ساڑی ہے آپ نے فرمایا بھائی منو تے مرید نے حدیعہ دیتا ہے تو فتر نظرانہ پیش کیتا انہیں جا کے قاضی دی عدالت جب بابا فرید تے مقدمہ کر دیتا جب بابا فرید آئے نا تو قاضی کہنے لگا بابا جی یہ زمین کی دیئے بابا جی فرما لگے قرآن تے کہنے زمین ولیاں دیئے قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی پروف بابا جی فرمان لگے بھائی کاغذات تے کوئی نہیں میں نے تے مریدہ نے نظرانہ دیتا ہے قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نانا ہوئی کہ بابا فرید ہاش کے فرمان لگے پھر رجسٹریاں کی کرنیاں نے آجو زمین کو لگ پوچھ لینے تو کی دی ہیں کہ قاضی کہنے لگا بابا کدے زمینہ بھی بولیاں نے فرمان لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے نوجوانو جر بلے پکت مکرل ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لاغیا بابا فرید مریدہ نہ لے آگئے قاضی دے بلنے دے کھلو کے بابا فرید فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دیئے قاضی زمین دے پہلی ولبے کے کہن لگاؤ دس زمین کی دیئے پہلی دے ذرے ذرے جی آباد آئی او قاضی اکدیا نے اپلے کھیج نہ رہ جائیں اے دنیا دی زمین میں فرید دیئے جنت دی زمین میں فرید اللہ اکبر یا رسول اللہ جنہوں سمجھ حق فرید آو ہم ذرا ولی دے دوسرے ترجمے تے غور کریے الولیو الاقرب ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے اللہ بھی ولی ہے نا مومن آدھا اللہ فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ مَا تیری شارک تو قریبا نبی بھی ولیتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی جان تو بھی زیادہ قریبے آو ہن میں دساں ولی کی میں قریبے ولی کی میں قریبے یاد رکھیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا معروف واقعہ نا کہ حضرت ساریہ نو ایران بھیجیا جہاد کرنے واسطے نہامت دے اندر تے آپ نے فرمایا یا ساریہ تل جبل یا ساریہ تل جبل یا ساریہ الجبل تے مدینے دے لوگاں تاریخ لکھ کے رکھ لئی کہ حضرت عمر فاروق مدینے بیٹھ کے انہوں آبادہ پہ مار دنے جڑا ایران گیا ہے ایک مہینے دا سفر سی ایک مہینے بعد حضرت ساریہ آئے کہ آپ نے فرمایا لو بھئی ایران فتح ہو گیا لوگاں پوچھے حضور کی میں فتح ہویا فرمایا ہار چلے ساں عمر فاروق دی آواز گئی سی پوچھے عمر مدینے بیٹھے تسی ایران بیٹھے تے آواز کنی گئی آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ایران میں انج لگ دا سی جی میں عمر میرے موڈیاں تے بیٹھے پیا بول دا ہے ولی قریب ہوندہ ہے نا آو دسا کی میں قریب ہے یہ بات تھی ختم نہیں ہوئی حضرت عمر فاروق دے کہ بچپن دا لنگوٹیا یار سی وہ مکہ رہندہ سی ایک گل سنی تے مدینے آکے نا تے مدینے دی گلیاں چاہ آوازہ پیا دے بے اوے عمر اوے عمر اوے عمر کوئی ایک مربع دا چودری کو دو مربع دا چودری کو تین مربع دا چودری عمر فاروق ہوئے جڑا ساڑھے بائی لکھ مربع میل دا کلہ عبارت سے او جڑا بیلی سی نا بچپن دا او نہیں ویخ دا میرا یار پیر صاحب بن گئے میرا یار عالم دین بن گئے میرا یار وزیر آدم بن گئے جڑا لنگوٹیا ہوئے نا او اونجی بلاندہ جو میں بچپن جو بلاندہ سی او کہندہ تو آڈا ہوئے گا میرا دے یار ہے او بھی آکے حضرت عمر فاروق نے آوازہ دے بے اوے عمر اوے عمر اوے عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ نکلی جو انہوں پھڑ کے سینے لگایا فرما بیلیا کدھر آئے ہیں کہنے لگا عمر میں سن کے آیا تو مدینہ بیٹھ کے ایران وکھیا بھی یہ تے آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی فرمایا ٹھیک سن کے آیا ہیں کہنے لگا عمر بچپن یادی فرمایا یادے کہنے لگا یادی تو تے میں اونٹ کٹھے چار دے سا فرمایا یادے کہنے لگا یادی تیرا اونٹ گباچ جاندہ سی فرمایا یادے یادی تیرا ابا خطاب تینوں ماردہ سی فرمایا یادے کہنے لگا یادی تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیتا سا فرمایا یادے کہنے لگا عمر فرما تینوں مکہ تو مدینے آئی پچھنے آیا ہوں بچپن تیرا اونٹ گواچ داریا تینوں نہیں مل داریا تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دین داریا آج بیٹھا مدینے انہیں بیخ دا ایران انہیں دس یک کتوں لئی حضرت مرے فرمایا
फारूक दिया चीखा निकल गई यार नो सीने लगा के फरमान लगे पे लिया कमाल मेरा कोई नहीं फर्क ना पै गया है एदो तेरा यार शाह हुन मुहम्मद दा यार उच्चा बोलन दी तौफीक अता फरमा या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अपनी अम्मी नू अम्मी जी ते अबू नू अबू जी कह के बुलावे करे हुणे लग पता नहीं जाना हजरत जी अम्मी नूं ते अब्बी कहंदा जी कहंदा रवाज नहीं ना रहा ते अब्बू नूं ते कोई नसीबां वाला एक ही बंदा जिहनूं जी कहंदे हो ओह तुहानूं पता ही है मैं ये नहीं कहंदा बालां दी मां नूं जी ना कहो पर अपनी अम्मी नूं भी जी आख्या कर हैं या अल्लाह जिहड़ा अपनी अम्मी नूं जी आख्यो भी बोले सुभान अल्लाह जिहड़ा इस तों उच्चा बोले पंज वक्त दा बाद जमात नमाजी बना दे जेड़ा इस तो उच्चा बोलिया जो सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ करा के जावे असर दी नमाज दा वेला ते अलीपुर सैयदां दी जमीन है फरूकी साहब हजरत अतीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दी अम्मी जान रोटियां पे पकांदे सन ते अर्ज कीती अम्मी जी इजाजत होवे ते चूरा शरीफ पीरां नूं मिला वां मां सैयदादी फरमांदियां शाह जी रोटी खा के जायो अर्ज कीती अम्मा जी इजाजत होवे ते किधर रस्ते च ना खा लवां मां ने इजाजत दीती ते टुरे 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 ते चूरा शरीफ ही चले गए किथे अलीपुर सैयदा नारोवाल जिला ते पसरूर दा इलाका ते सियालकोट दा इलाका किथे जिला अटकदा चूरा शरीफ जिन्हें बाबियां ज़ियारत की उन्होंने पूछो चूरा शरीफ के बाहर एक पानी का नाल है तो उस इलाके की जुबान चो कसी आखते हैं वो कसी भी बाबे चूरे वाले की करामत के पत्थर चो पानी पे निकलता है अज भी जो बीमार पीवे रब शिफावा अदा कर दे हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह जो कसी से पहुंचे ना तो उधरों फकरे मुहम्मदी का ताजदार हजरत बाबा जी पीर सैयद फकीर मुहम्मद शाह चुराही गिलानी रहमतुल्लाह भी तशरीफ लै आए मुरीद ने मुर्शद की कदम बूसी की बाबा जी हजूर फरमाते ने जमात अली भुख लगी आ बाबा जी गरम रोटियां कित्थों लै आए बाबा जी फरमान लगे जमात अली की प्या सोचना है अर्ज की दिल अज पहला सोच लिया गरम रोटियां कित्थों आ गई फरमाया चुप करके खाई जा एक इतना नहीं आया जड़िया मां दियां पकदियां छड़ आया सै मैं ओई जा के लै चलिए पीरे बाहू दे दरबार ते किहदे नाल गल करां होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह साहबजादा साहब कह रहे कि वो शेर जरूर सुनाया जे जिहड़ा चूरा शरीफ पढ़िया सी ते मैं बस वो ही सुनावन लगा तो उत्थे जिहड़ा माहौल बनिया वो सारी दुनिया ने फिर वेखिया आरफा दे सुल्तान ने फरमाया कामिल मुर्शिद ऐसा हो जिहड़ा धोबी वांगन छटे आए थी कर दे बेचीता बिच जरा मैल ना रखे कमाते मेरा मुर्शिद वैसे बिच निगाह दे रखे वो जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहों
ਜੁਗ ਜੀਵੈ ਮੇਰਾ ਮੁਰੇ हर दम जीवे मेरा मुरे सिद्धबा हो फिर दम दम जीवे मेरा मुरे सिद्धबा हो ए जुग जुग जीवे मेरा मुरे फिर जम जम जीवे मेरा मरे सिद्धबा फिर दम दम जीवे मेरा मरे सिद्धबा हर दम जीवे मेरा मरे सिद्धबा जेड़ा लोनो दे बिच वैसे बिछोड़ा मार देंदा दिल भरांदा मेरी मिल्लत दे नौजवानों बिछोड़ा मार देंदा दिल भरांदा साहे कुमां ते मेरा मुर्शिद वसे मैनू विच निगाह दे रखे हो जम जम जीवे हो मुर्शिद बाहू जिहड़ा लू लू दे विच वसे हो अफगानिस्तान दा शहर काबुल ते बुखारा शरीफ ते एक बाबा जी टुरे जिन्हां दा नाम है शहनशाह नक्शबंद ताजदार नक्शबंद जोहदुल अंबिया काशिफ रमूज़े हकीकत हुमाय औजे लाहूत हजरत बाबा जी शेख बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह साडे नक्शबंदियां दे पेशवा ओ बाबा जड़ा दिल वल ए इंज झाती मारदा ते दिल उते इसमें अल्लाह नक्श कर देंदा हजरत पीरे गुलाल रहमतुल्लाह अलैह किधर गुजर रहे ना ते हजरत शहनशाह नक्शबंद मिट्टी दे बर्तन पे बनांदे सन ते पीरे गुलाल रहमतुल्लाह अलैह जेड़े बर्तन वल वेखन उसे बर्तन ते लिखे होवे अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह लहूदा आवाज आया वे कुली है फकीर दी विचों एक बारी हजरत ख्वाजा शहनशाह नक्शबंद गुजर रहे ते एक बर्तन बनान वाला ना बर्तन पिया बनावे ना कुम्हार ते आप जी दे ते निगाह करन बर्तन दे उते लिखा वे अल्लाहू अल्लाहू उन्हें आख्या ऐ नक्शबंद दे आलम नक्शे मेरा बबंद नक्शे चुना बबंद गगवेंद नक्शबंद आख्या पांडियां ते लिख सकना है ते ए भी मिट्टी दे ते मैं भी मिट्टी रहा इन्हां ते लिख दियो ते मेरे ते भी लिखो मेरा भी दिल मिट्टी दा ही है बाबा जी जिधर निगाह कर देने उसे दिल उते इसमें अल्लाह जात लिखा जाता है मशहूर हो गया नक्शबंद ओ शहनशाह नक्शबंद ऐसे अफगानिस्तान के शहर काबुल च गुजर रहे ते मुरीदी ने ना ज़ियारत लई इकट्ठे हो गए हल्का इरादत तरीके दी ज़बान च कमा हल्का इरादत बना लिया काफिरां दी 10 साल दी बच्ची बाजार च गुजरदी ते उहने वेख्या रश बड़ा है बच्चियां नूं भुल जांदा कम किहड़े आए सां बच्चे रश विच शामिल हो जांदे बच्ची इक बाबे नूं आके कहण लगी इत्थे की है ते बाबा कहण लगा बेटी साडे पीर आए होए ने ओ बोले जिदे आए हुए ने बेटी साडे पीर आए हुए ने बच्ची काफिर आंदी उन्हें पता नहीं पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा कह लगी बाबा ए पीर की होंदा है बाबा कहन लगा आ बेटी मैं तेनू बखावा उन्हें इस तरह करके शहनशाह नक्शबंद वाल इशारा किया बच्ची की निगाह जदों वली दे चेहरे ते पई ना अल्लादीना इदा रुऊज़ की अल्लाह ओ जिन्हां नूं वेखे खुदा याद आ जाए बच्ची दौड़ के बाबा जी दे कदम फड़ ले ते कहन लगी वे एड्या सोहणिया बाबिया वे तू कौन है वे फरमा बेटी मेरा नाम बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी है मैं बुखारा शरीफ तो आया ते कहन लगी हजूरे लोग क्यों जमाने फरमा बेटी मेरे मुरीद ने मेरी ज़ियारत करन आए ने ते कहन
लगी बाबा जी पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा है। बाबे ने इको जुमले ची सारा तसव्वुफ बयान कर दिता। आपने फरमाया जदों बेटी किसी दे मुरीद हो जाइए ना फिर जिंदगी च कदे औखा वेला आवे ते पीरां नूं आवाज मारियो ते पीर कम आ जांदे ने। बच्ची काफिरां दी कहन लगी बाबा जी औखा वेला ते आ ही जांदा है ते मैनूं भी मुरीद नहीं बना लैंदे। बाबा जी ने कलमा पढ़ा के मुसलमान कीता, बैत करके फरमाया जा बेटी तू मुरीद नहीं ते मैं तेरा पीर। ते बच्ची टुरी ना ते टुरदे टुरदे मुड़ के कहंदी औखा वेला आया ते बुलावांगी ते फिर आओगे ना। फरमाया बेबी कदे बेटी औखा ते बारह वेला आया कदे जमाने च भीड़ बनी ना फिर बुलावी ते असी आ जावांगे। बाबा जी बुखारा शरीफ वापस चले गए। बच्ची घर चली गई ते घर जाके बच्ची ने किसी ने दस्या नहीं कि मैं ईमान कबूल करके आई हां। साइयां दी नजर सवली होवे ना समुद्री वाले हो ते रब अरूज बड़े देता जी। ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਖਤਤਾਮ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਸੋ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈਡ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਨੌਕਰਾਂ ਹਸਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਲ ਕਰਾਓ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਾਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਥੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬੱਚੀ ਰੋਵੇ ਤੇ ਕੁਰਲਾਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਵੇ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਦ ਕੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜਾਵਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। बाबे आख्या सी कदे औखा वेला आया ते बुलावी फिर असी आ जावांगे। ख्याल आया आवाज मारा ते अकल ने आख्या आवाज ते मारे बाबा ते बुखारा शरीफ चला गया है। किथे काबुल ते किथे बुखारा, हुन बाबा किवें आवेगा? इश्क ने रहबरी कीती ते आख्या तू आवाज ते मार। बची नाले माल दियां सीढ़ियां चढ़दियां नाले मुंह बुखारे वाला कर ले आओ, नाले रो के गान लगी वे बाबा जल्दी आ जाओ, नाले सीढ़ियां चढ़दियां नाले बाबा मार दिए ते कहंदी है बाबा जरा जल्दी ही आ जा मेरी जान चली आया जा। तो आखिया सी बुलावी मैं आ जावांगा, नाले सीढ़ियां चढ़दियां नाले आवाजा मार के कहंदी है बाबा आ जा, बाबा जी अज ना आयो लोग मैंने मारने में सुनिया दा पीर कोई नहीं। नाले सीढ़ियां चढ़दी है नाले रोंदी है कहंदी है जरा जल्दी आ जाओ, बच्ची छत पे आ गई अजे पापा नहीं आया। महल वाल खलो के उन्हें बुखारे वाल चेहरा कर ले आओ, कहन लगी बाबा एक बारी आ जाओ के एक बारी आ जाए तेरा जाता कुछ नहीं मेरा कम बन जाता। अजे भी बाबा नहीं आया, जालमा बच्ची ने धक्का मारे बच्ची जमीन वाले आ रही, उन्हें आखिरी चीख मारी कहन लगी हुन ते आ जा, अजे भी बाबा नहीं आया। बच्ची चीख मार के बेहोश आ गई, जदों होश आया बच्ची जमीन ते नहीं डिगी, किसे दे हाथा ने चुक लिया है। बच्ची ने पट्टी खोल के वेखिया अगे बाबा नक्शबंद बुखारी खड़े ने, अर्द कर दिए बाबा बुखारे दी जल्दी किवें आ गया है? फरमाया धीए तू मुरीद नहीं है मैं पीरा, जे तू चुबारे तो आ सकनी है फिर मैं भी बुखारे तो आ सकना।